बनगांव गावठान के पुनर्वास कार्यवाही में गलत पद्धति से भूखंड वितरण किए जाने की प्रकल्प ग्रस्तों की शिकायतों को देखते हुए पालक मंत्री नितिन राउत ने कलेक्टर रविंद्र ठाकरे को मामले की पूर्ण जांच के निर्देश दिए हैं। पारशिवनी से थोड़ी दूरी पर स्थित हिंगना बाराभाई में मंगलवार को तड़के तेंदुए ने बैल पर हमला कर दिया। इस घटना से गांव परिसर में दहशत का माहौल है। आयुक्त ने जारी किए निर्देशों के अनुसार विदेशों से आने वाले संदिग्ध कोरोना मरीजों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करने के लिए शहर के 9 होटल्स को कोविड केयर सेंटर के रूप में निर्धारित किया गया है, जहां कुल 250 लोगों के रहने की व्यवस्था होगी। कार्ड के रॉयल्टी पॉइंट रिडीम करवाने का झांसा देकर अज्ञात आरोपी ने युवती के खाते से 51,516 रुपए उड़ा लिए। पुलिस ने प्रमिला अपार्टमेंट धंतोली निवासी जय श्री सकुर राठौड़ की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व अस्पताल की स्टेट लेवल वायरस रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लैबोरेटरी ने 1,00,000 से अधिक कोविड नमूनों के परीक्षण को पूरा किया है। यूरोप के कुछ देशों में कोविड 19 के नए लक्षण वाले भयावह वायरस के पाए जाने से अब सुरक्षात्मक उपायों के लिए राज्य सरकार की ओर से रात का कर्फ्यू लागू करने की घोषणा की गई। स्टेट बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षाओं के परिणाम बुधवार 23 दिसंबर को ऑनलाइन घोषित होंगे। सरकार द्वारा नाइट कर्फ्यू की घोषणा करते ही पुलिस विभाग काम पर जुट गया। मंगलवार को पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने आला अधिकारियों के साथ बैठक कर बंदोबस्त की व्यूहरचना तैयार की। मंगलवार रात 11 बजे से 2,000 पुलिसकर्मी रास्तों पर तैनात रहेंगे। सुबह 6 बजे तक रास्तों पर पुलिस का बंदोबस्त होगा। थाना देवलापार अंतर्गत जुनेवानी उमरी के शासकीय स्कूल में विद्यार्थी की करंट लगने से मौत हो गई थी। इस मामले में करीब 2.5 साल बाद पुलिस ने मुख्याध्यापक व एक अन्य पर मामला दर्ज किया है। आरटीएम नागपुर विश्वविद्यालय ने कोरोना काल में अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर जरूरतमंदों की मदद करने वाले कोरोना वॉरियर्स का सत्कार किया।